नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 मई, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार लोक सेवा आयोग ने शुरू की ADFO भर्ती आवेदन प्रक्रिया। कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श। आधे घंटे में FIR और 15 मिनट में पुलिस वेबसाइट पर कॉपी। टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंची टीम इंडिया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग ने शुरू की ADFO भर्ती आवेदन प्रक्रिया। बिहार राज्य सरकार के गृह विभाग के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा अंतर्गत सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी के 21 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से स्नातक डिग्री लेना अनिवार्य है। साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखना हो। उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2023 को 40 वर्ष से कम और 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मई 2023 तक निर्धारित की गई है। कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बता दें कि बीते दिन हुए इस कैबिनेट की बैठक में सरकार की ओर से राज्य में 1.78 लाख शिक्षकों की बहाली पर मुहर लगा दी गई है और साथ ही बिहार सरकार की ओर से शिक्षकों के लिए मूल वेतन पर भी मुहर लगा दी गई है। इसके अलावा बीते दिन के बैठक में वित्त को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 44,429.64 करोड़ रुपए, बाजार ऋण सहित कुल 49,365.69 करोड़ रुपए ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार के द्वारा बिहार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल नियमावली 2023 को भी मंजूरी दे दी गई है और 42 अरब 71 करोड़ 16 लाख की राशि से 2000 पंचायत सरकार भवन निर्माण को भी स्वीकृति दे दी गई है। वहीं इस बैठक में बिहार के गया और मुजफ्फरपुर में 15 साल से पुराने व्यावसायिक वाहनों को 1 अक्टूबर 2023 से बंद करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही कई अन्य एजेंडों पर भी बिहार सरकार के द्वारा मुहर लगाए गए हैं। बिहारी बर्थडे में आज हम बात करेंगे मनीष झा के बारे में। मनीष झा का जन्म आज ही के दिन 1978 में हुआ था। यह एक भारतीय फिल्म लेखक और निर्देशक है। मालूम हो कि यह मातृभूमि जैसे फिल्म के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने टेलीविजन धारावाहिकों में सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया है। मनीष झा ने 5 मिनट की लघु ए वेरी वेरी साइलेंट फिल्म बनाई, जिसने 2002 के कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए ज्यूरी पुरस्कार जीता, जिसके बाद उन्होंने मातृभूमि के साथ कन्या भ्रूण हत्या के प्रभावों के बारे में अपनी फीचर शुरुआत की, जिसने कई पुरस्कार और आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की। 2003 के वेनिस फिल्म समारोह में इसे समालोचक सप्ताह में प्रस्तुत किया गया था और बाद में महिलाओं के मुद्दों पर इसके महत्वपूर्ण विषय और पहली बार निर्देशक द्वारा संवेदनशीलता के साथ कन्या भ्रूण हत्या के लिए FIPRESCI पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 में उन्होंने 11 निर्देशकों के साथ एंथोलॉजी फिल्म में एंड इरेनड खंड शीर्षक का निर्देशन किया। मुंबई कटिंग जो दिल्ली में 10वें ओशियान सिन फैन फेस्टिवल की समापन फिल्म बन गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निशुल्क चिकित्सकीय परामर्श। अगर आप भी बीमार हैं और आपको डॉक्टर के पास या अस्पताल में जाने की इच्छा नहीं हो रही है, या फिर आप किसी ऐसे सुदूर इलाके में रहते हैं जहां से अस्पतालों की दूरी काफी है, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आपको डॉक्टर को किसी भी प्रकार की कोई फी नहीं देनी होगी। मालूम हो कि बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस बात की जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट शेयर करके दी गई है। शेयर किए गए इस पोस्ट के अनुसार यह सुविधा लोगों को सोमवार से लेकर शनिवार तक कार्य दिवस के दौरान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध होगी। वहीं इस दौरान निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श लेने के लिए आपको स्वास्थ्य उपकेंद्र पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी या ANM से संपर्क करना होगा। इसके साथ ही अगर आपको इससे जुड़ी अधिक जानकारी चाहिए या इससे जुड़ी किसी प्रकार की शिकायत करनी है, तो आप निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क कर सकते हैं।
जातीय गणना रोकने पर सुनवाई आज भी जारी। बीते दिन पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा राज्य सरकार द्वारा राज्य में जातियों की गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाले अखिलेश कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की गई। बता दें कि इस मामले पर सुनवाई आज भी जारी रहेगी। मालूम हो कि बीते दिन हुए सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि जातीय गणना कराने का अधिकार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और यह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। उन्होंने बताया कि इस तरह का सर्वेक्षण प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के द्वारा कराई जा सकती है क्योंकि यह केंद्र सरकार की शक्ति के अंतर्गत आता है। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई आज यानी कि 3 मई को भी जारी रहेगी। राज्य का पहला औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है यहाँ। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहभागिता से बिहार के गया के डोभी में राज्य का पहला और देश का सबसे डेवलप औद्योगिक पार्क कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि यह पार्क का निर्माण राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की राशि से 1670 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है। मालूम हो कि जिला प्रशासन के द्वारा इस पार्क के निर्माण के लिए भू अर्जन का काम भी शुरू कर दिया गया है जिसे 2 महीने के अंदर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस काम के खत्म होने के बाद इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की शुरुआत कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पार्क की विकसित करने के लिए नेशनल हाईवे 2 से भी इसे जोड़ा जाएगा और साथ ही यह भी योजना बनाई जा रही है कि इसे रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी से भी जोड़ा जाए। आधे घंटे में FIR और 15 मिनट में पुलिस वेबसाइट पर कॉपी। बिहार के DGP RS भट्टी के द्वारा ADG, IG और SP रैंक के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई जिसमें बिहार की विधि व्यवस्था और अपराध को लेकर समीक्षा की गई और साथ ही कई अहम निर्देश भी दिए गए। मालूम हो कि इस बैठक के दौरान DGP RS भट्टी के द्वारा बैठक में FIR में होने वाली देरी को लेकर नाराजगी जताई गई और कहा गया कि किसी भी फरियादी का FIR आधे घंटे के भीतर होना चाहिए और FIR होने के 15 मिनट बाद इसकी कॉपी SCRB या FIR पर अपडेट होनी चाहिए। इसके अलावा जिस व्यक्ति के द्वारा FIR करवाई गई है उसको कॉपी तुरंत उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इन सबके साथ DGP के द्वारा उनके लिए भी निर्देश दिया गया है जो पुलिसकर्मी पति पत्नी अलग अलग स्थानों पर तैनात है उन्हें एक ही स्थान पर तैनात किया जाएगा और साथ ही इस पर अधिकारियों से सुझाव भी मांगा गया है। दरभंगा एयरपोर्ट का टर्मिनल प्लान बनकर हुआ तैयार। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट को एक बार फिर से लोगों के लिए खोलने के बाद लगातार एयरपोर्ट की क्षमता और सुविधा के विस्तार की मांग होती आ रही है। वहीं अब इस दरभंगा एयरपोर्ट का लेआउट प्लान बनकर तैयार हो चुका है। बता दें कि इस लेआउट के अनुसार दरभंगा एयरपोर्ट का स्थायी सिविल टर्मिनल का निर्माण 54 एकड़ में किया जाएगा और यह एयरपोर्ट के दक्षिण होगा जो कि नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर से जुड़ेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार के द्वारा दी गई 24 एकड़ की अतिरिक्त जमीन पर रनवे का विस्तार और टेक ऑफ और लैंड करने की सुविधा के लिए ILS सिस्टम लगाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए टर्मिनल भवन की ब्लूप्रिंट के अनुसार दरभंगा एयरपोर्ट का मुख्य टर्मिनल का निर्माण 2 फेज में किया जाएगा जो कि 66,000 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा और सालाना 42.5 लाख यात्रियों की क्षमता होगी। वहीं व्यस्ततम अवधि में यहां से एक साथ 2,000 से 500 यात्रियों की आवाजाही हो सकती है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे सुजाता घर के बारे में। भारत के बिहार राज्य के बोधगया में गांव के उत्तर में स्थित एक स्थल सुजाता घर को दिखाया गया है। इसका नाम ग्राम प्रधान की बेटी सुजाता के नाम पर रखा गया है। आप एक स्तूप देख सकते हैं जो जमीन से 11 मीटर ऊंचा है जिसे सुजाता की याद में बनवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने से पहले इस स्थान पर आए थे और सुजाता ने उन्हें दूध चढ़ाया था। स्तूप को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक स्थान पर आते हैं। स्तूप के ऊपर से पूरे गाँव का दृश्य मनोरम है। स्तूप के शीर्ष पर स्थित वृक्ष भी बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय है लेकिन स्मारक की वर्तमान स्थिति बहुत ही दयनीय है क्योंकि संबंधित लोगों द्वारा इसकी परवाह नहीं की जाती है। बिहार के इस युवा की प्रतिभा ने दी नासा में दस्तक। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक स्कूल के 12वीं पास छात्र का चयन नासा के एक मिशन के लिए किया गया है। बता दें कि इस युवा का नाम दिव्य प्रकाश है जो नासा को बताएंगे कि मिशन मून के लिए योजनाओं को सफल कैसे बनाया जाए। बता दें कि दिव्य प्रकाश के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 21 जून 2023 को नासा की ओर से मिशन मून 2 के कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें आगामी मिशन को लेकर युवाओं से विचार लिए जाएंगे। दिव्य प्रकाश बताते हैं कि उनकी रुचि 7वीं कक्षा से ही रोबोटिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में थी। उन्होंने डिफेंस के लिए अभिमन्यु रोवर पर भी काम किया था जिसके अंतर्गत उन्होंने ऐसा मॉडल तैयार किया था कि IT के जरिए दुश्मनों पर खुद बमबारी होने लगे। फिलहाल छात्र की सफलता से जिले के पूरे लोग खुश हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर सोनाक्षी सिन्हा की ये वेब सीरीज मचाने वाली है धमाल।
अगर आप भी उन दर्शकों में हैं जो OTT प्लेटफॉर्म के दीवाने हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इस महीने यानी कि मई के महीने में आपको OTT प्लेटफॉर्म पर कई वेब सीरीज मिलने वाले हैं, जिनमें हिंदी, कोरियन, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं के वेब सीरीज शामिल है, जिनमें आपको 5 मई से Disney+ हॉटस्टार पर डिम्पल कपाड़िया के अभिनय से भरी सास बहू और फ्लेमिंगो देखने को मिलने वाला है। वही 12 मई को अमेजन प्राइम पर सोनाक्षी सिन्हा की दहार और 12 मई को ही G5 प्लेयर पर ताज सीरीज का दूसरा सीजन भी देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा 18 मई को नेटफ्लिक्स पर जो किटी और 25 मई को नेटफ्लिक्स पर नई सीरीज फूबर स्ट्रीम होने वाला है। वहीं इस महीने का सबसे अंतिम सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है, वह ब्राइट गटन की स्पिन ऑफ स्टोरी है। उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य में बारिश के आसार। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में मौसम एक बार फिर से पलटी मार सकता है। विभाग की ओर से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ बारिश, तेज हवा और वज्रपात होने की संभावना जताई जा रही है। इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि प्रदेश के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के 1 से 2 स्थानों पर बिजली चमकने के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। इधर विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा चलने और वज्रपात की संभावना जताई गई है। साथ ही इस दौरान तापमान में गिरावट देखने को मिलने वाला है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार उत्तर बिहार में आकाश में बादल छाए रहने की संभावना है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। बुधवार को प्रदेश में मौसम साफ रहने वाला है, तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाला है। इस दौरान हवा की रफ्तार 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की बात कही जा रही है। बिहार में खैर और महुआ जैसे कई पेड़ हो रहे विलुप्त। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के सचिव के गणेश कुमार के द्वारा स्थानीय मीडिया से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी गई है कि राज्य के गैर वन क्षेत्रों में पिछले 10 वर्षों में खैर और महुआ के पेड़ में 25 से 30% तक की कमी आई है, जो हमारे लिए और राज्य सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए एक बेहद चिंताजनक विषय है। वहीं उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन पेड़ों की उपलब्ध संख्या का पता लगाने और राज्य में गैर वन क्षेत्रों में उनकी संख्या में कमी आने के कारणों की पहचान करने के लिए एक अध्ययन करने पर भी विचार किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों पेड़ राज्य के जिन स्थानों पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं उनमें जमुई, बांका, नवादा, गया, रोहतास, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के वन क्षेत्र शामिल है। वही जिन स्थानों पर इन पेड़ों की संख्या में गिरावट देखी गई है उनमें दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय, कटिहार, अररिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया जिले के वन क्षेत्र शामिल है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस 14वीं किस्त से कई किसानों के नाम को हटाया जा सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से भूलेखों का सत्यापन किया जा रहा है। अगर कोई किसान यह जानना चाहता है कि उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त मिलेगी या नहीं तो वह इस बात की जानकारी किसान ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर बेनिफिशियरी लिस्ट में देख सकते हैं। मालूम हो कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का भुगतान मई के महीने यानी कि इसी महीने किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि इस योजना के लाभ उठाने के लिए किसानों को KYC करवाने की भी जरूरत होती है। बाड़ा को पटना आएंगे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री। पिछले कई दिनों से ऐसी खबर चल रही थी कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री अपने कार्यक्रम को लेकर बिहार की राजधानी पटना में आने वाले हैं। वहीं अब इस पर बीते दिन मंगलवार को समिति की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर धीरेन्द्र शास्त्री के होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी दे दी गई है। उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम 13 मई से 17 मई तक शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक नौबतपुर में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 3 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल बनाया गया है। वहीं पार्किंग की व्यवस्था 15 लाख स्क्वायर फीट में गई है। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान भक्तों के लिए भंडारे की भी व्यवस्था की जाएगी। इस कार्यक्रम में 14 मई को सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हो सकते हैं। वहीं 15 मई को दिव्य दरबार लगेगा जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा निकालेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम से एक दिन पहले यानी कि 12 मई को करीब 5100 महिलाएं कलश में गंगा जल लेकर हाथी, घोड़ा और बैंड बाजे के साथ निकलेंगी। गेहूं की खरीद में बिहार समेत ये राज्य रहे पीछे। भारतीय खाद्य निगम इस वर्ष गेहूं खरीद को लेकर खासी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। दरअसल इस साल केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी खरीद के माध्यम से 341.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन गेहूं की खरीद में सुस्ती होने के कारण इस लक्ष्य को पूरा करने में भारतीय खाद्य निगम को मुश्किल आ रही है। बता दें कि एक तरफ जहां पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा में गेहूं की खरीद में तेजी देखी जा रही है तो वहीं दूसरी ओर बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद में सुस्ती बनी हुई है। बता दें कि अब तक
तक पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा में 223 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा गेहूं की सरकारी खरीद में तेजी लाने के लिए 500 नए केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया है और साथ ही जिला मुख्यालयों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय स्तर पर भी गेहूं की सरकारी खरीद की अनुमति दे दी गई है। झारखंड सीएम से मिले जदयू अध्यक्ष ललन सिंह। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं उनके इस पहल में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते दिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की गई। बता दें कि ललन सिंह के द्वारा इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया गया। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि जिस विपक्षी एकता के पहल पर सीएम नीतीश काम कर रहे हैं उसे ही ललन सिंह द्वारा साकार करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही अब राजनीतिक गलियारों में यह भी खबर चल रही है कि सीएम नीतीश कुमार जल्द ही हेमंत सोरेन और उनके पिता सिब्बू सोरेन से मुलाकात कर सकते हैं। गिरिराज सिंह ने सम्राट चौधरी के सीएम बनने के पक्ष में लगवाए नारे। बीते दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा बिहार के बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के सीएम बनने के पक्ष में नारे लगवाए गए। उन्होंने कहा कि बिहार का सीएम कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो। इसके साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में भी योगी जैसे सीएम की मांग है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सभी बातें गिरिराज सिंह के द्वारा बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के अभिनंदन समारोह के मौके पर कही गई थी। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कहा कि पीएम की कुर्सी पर सुपर इंसान बैठा है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। जिस दिन से बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी को चुना गया है तब से लगातार उनके सीएम बनने के नारे लगाए जा रहे हैं। टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंची टीम इंडिया। आईसीसी के द्वारा ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है जिसमें सबसे पहले पायदान पर टीम इंडिया को स्थान मिला है। बता दें कि अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल भी नहीं खेला गया है और टीम इंडिया सबसे टॉप पर पहुंच गई है जिससे ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल जारी किए गए इस नए टेस्ट रैंकिंग में सबसे ज्यादा नुकसान ऑस्ट्रेलिया को हुआ है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफी लंबे वक्त से नंबर एक पर बना हुआ था, लेकिन अब भारत ने ऑस्ट्रेलिया से उसका यह ताज छीन लिया है और अब ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर आ चुका है। मालूम हो कि भारत को 25 मैचों में 3031 पॉइंट्स मिले हैं, वहीं उसकी रेटिंग 121 है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 7 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है। मालूम हो कि इस मैच में टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में मैदान में उतरेगी, वहीं ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस की कप्तानी में फाइनल मैच खेलेगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 को प्रदर्शित हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। टाटा स्टील लिमिटेड को ब्रिटेन में कोयला खनन करने का पहला लाइसेंस 2008 में प्राप्त हुआ। पाकिस्तानी जेल में सजा काट रहे भारतीय कैदी सरबजीत सिंह को फांसी की सजा 2008 को अनिश्चित समय तक टाली गई। 2016 में 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई जिसमें मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन और कंगना रनौत सम्मानित हुए। राजस्थान की प्रसिद्ध महिला राजनीतिज्ञ सुमित्रा सिंह का जन्म 1930 में हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ उमा भारती का जन्म 1955 में हुआ। गणित की दुनिया का प्रतिष्ठित समान फील्ड्स मेडल पाने वाली पहली महिला गणितज्ञ मरियम मिर्जा खानी का जन्म 1977 में हुआ। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन 1969 को हुआ। भारतीय अभिनेत्री नरगिस का निधन 1981 को हुआ। पालघर में आज हम बात करेंगे सोलर स्टोव के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। ऐसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सोलर स्टोव के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि दावा किया गया है कि फ्री कुकिंग स्टोव योजना के तहत सभी महिलाओं को सरकार फ्री में सोलर स्टोव देगी जिसकी 10 साल की गारंटी होगी। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। व्हाट्सएप ने भारत में 47 लाख से अधिक अकाउंट्स को किया बैन। व्हाट्सएप के द्वारा 1 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच प्लेटफॉर्म से आईटी रूल 41D 2021 के तहत कुल 47,15,906 इंडियन अकाउंट्स को बैन कर दिया गया है जिसमें से 16,69,385 अकाउंट व्हाट्सएप ने खुद अपनी पॉलिसी के तहत बैन किए। यानी इन अकाउंट्स के खिलाफ कंपनी को कोई शिकायत नहीं मिली थी लेकिन ये व्हाट्सएप के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे जिसके चलते इन अकाउंट्स पर एक्शन लिया गया है। लेटेस्ट सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप को मार्च महीने में 4,720 शिकायतें मिली थी जिनमें से 4,316 शिकायतें अकाउंट्स बैन के लिए थी। इनमें से केवल 553 के खिलाफ ही व्हाट्सएप ने कार्रवाई की और संबंधित अकाउंट्स को प्लेटफॉर्म से बैन किया। बता दें कि आईटी नियम 2021 के मुताबिक जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं उन्हें हर महीने सेफ्टी रिपोर्ट प्रकाशित करनी पड़ती है जिसमें कंपनी को मिली शिकायतें और एक्शन के बारे में जानकारी देनी होती है। मार्च महीने में व्हाट्सएप ने 4.7 मिलियन अकाउंट्स पर कार्रवाई की है।
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के एंगेजमेंट को लेकर सामने आई ये डिटेल्स। पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और अभिनेता राघव चड्ढा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल जब से इन दोनों को लंच और डिनर करते साथ देखा गया है तब से लगातार इनके अफेयर और फिर शादी की खबरें सामने आ रही है। वहीं अब एक बार फिर इन्हें लेकर एक नई खबर सामने आई है। दरअसल इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा आने वाले 13 मई को रिंग्स एक्सचेंज कर सकते हैं। हालांकि अब तक इस खबर को लेकर आधिकारिक तौर पर परिणीति चोपड़ा या राघव चड्ढा के द्वारा कुछ नहीं कहा गया है। मालूम हो कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि इन दोनों की सगाई की रस्में दिल्ली में होने वाली है। हालांकि इससे पहले यह भी खबर सुनने को मिली थी कि इन दोनों ने रोका सेरेमनी कर ली है और अब अक्टूबर में दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। 13 और 14 मई को होगी आरजेडी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। बीते दिन राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 13 और 14 मई को राजद के द्वारा अपनी युवा शाखा के साथ और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग बुलाई गई है। बता दें कि इस मीटिंग का संबोधन राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के द्वारा किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 13 मई को राज्य के युवा राजद के सभी जिला अध्यक्षों की मीटिंग पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है। वहीं 14 मई को होने वाली मीटिंग पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के लिए राजद कार्यालय में बुलाई गई है। मालूम हो कि इस बैठक में पार्टी की नीति को आम जनता के बीच ले जाने और साथ ही सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जनउपयोगी योजनाओं के बारे में भी जानकारी देने पर बात हो सकती है। बिहार के इन दो शहरों में 15 साल से पुराने वाहनों के संचालन पर लगेगी रोक। बिहार सरकार द्वारा बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल इस फैसले में यह कहा गया है कि 15 साल पुरानी गाड़ियां अब धर्म की नगरी गया और मुजफ्फरपुर में नहीं चलेंगी। बता दें कि यह नियम फिलहाल भाड़े पर चल रही गाड़ियों पर लागू किया जाएगा। ऐसे में जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 15 साल से ज्यादा पुराना है उन सभी व्यावसायिक वाहनों को 1 अक्टूबर से दोनों ही शहरों में रोड पर चलने से रोक लगा दी जाएगी। मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक में यह फैसला नीतीश सरकार द्वारा लिया गया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, योगेंद्र रजक, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रियाज अली, तबरेज आलम, वेद प्रकाश सिंह, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद सकीर हुसैन, नगेंद्र महतो, राजीव कुमार, रेशम लोहानी, नुनू गोलू कुमार अहमद, ओम प्रकाश पासवान, उमेश ऋषिदेव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश के बाद आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज।